बात करेंगे अटल जी की। पूरे देश ने आज भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनके 99वीं जयंती पर याद किया। सियासत के अजात शत्रु कहे जाने वाले वाजपेयी जी को उनके राजनीतिक विरोधियों ने भी श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी समाधि सदैव अटल पर पहुंचकर उन्हें नमन किया, तो साथ ही जाने माने स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षाविद मदन मोहन मालवीय को भी उनकी 162वीं जयंती पर नमन किया। सुबह सुबह सत्ता के शीर्ष की सारी शख्सियतें सदैव अटल पर श्रद्धांजलि देने पहुंची। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की उनकी 99वीं जयंती पर नमन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, अश्विनी वैष्णव और अनुराग ठाकुर समेत कई गणमान्य हस्तियों ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा स्थित अपने पैतृक गांव बटेश्वर में पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 99वीं जयंती पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। अटल जी को भारत माता का सच्चा सपूत और राजनीति का अजात शत्रु बताया। हम सब जानते हैं अटल जी भारत की राजनीति के अजात शत्रु थे। भारत को राजनीतिक अस्थिरता से उभारने, देश के अंदर राजनीति में स्वच्छता और पारदर्शिता का एक आदर्श प्रतिमान उन्होंने रखा था। आज का दिवस सुशासन दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी भी और सरकारें भी आयोजित कर रही हैं, सदैव अटल जी का स्मरण कर रही हैं, और जिन मूल्यों और जिन आदर्शों के लिए सदैव अटल जी ने अपना जीवन जिया था, उन मूल्यों और उन आदर्शों के प्रति पूरी प्रतिबद्धता के साथ लग करके कार्य करने का संकल्प भी ले रही है। केंद्र में बीजेपी की पहली सरकार भी शायद इसीलिए बन सकी क्योंकि अटल जी वाकई सियासत के अजात शत्रु थे। पार्टियों से परे भी मजबूत रिश्ते थे। विरोधी का मतलब दुश्मन न था। पटना में तेजस्वी यादव के साथ अटल जी को पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद नीतीश कुमार का यह बयान शायद इसी की वानगी है। हम लोगों का रिश्ता, हम लोगों का संबंध हमारा बहुत ज्यादा रहा है। जब हम एमपी रहे तब से, जब उनकी सरकार बनी, 6 साल हमको उन्होंने 3 विभाग की जिम्मेवारी दी थी और कितना मानते थे, और फिर हमको यहाँ का मुख्यमंत्री बनाने में, तो इसलिए उनका तो जो मेरे प्रति एक जिसको कहिए कि प्रेम था, हमको बहुत पीछे कीजिए ना, और उनके प्रति मेरा बिल्कुल, अरे आप ही कहा, तो एक कहिए कि उनके प्रति आदर का भाव है, वो सब जीवन भर रहेगा मेरा, समझ गए ना, जब तक हम है। और इतना ज्यादा उनका था, और जान लीजिए कि जब जितना दिन भी रहे वो प्रधानमंत्री, तो वो कभी भी किसी दूसरे वालों को कोई दिक्कत नहीं होती थी। दिल्ली से इतर पूरे देश में सियासत और सत्ता के दिग्गजों ने अटल जी को उनकी जयंती पर याद किया। भोपाल से जयपुर और जोधपुर से अंगुल तक सबने पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अटल जी की जयंती पर झाड़ू भी चलाई। आज गुड गवर्नेंस डे है, सुशासन दिवस के रूप में अटल जी के जन्मदिन को मनाया जाता है, और उसी सुशासन की व्यवस्था में 2047 तक
भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का जो प्रण प्रधानमंत्री जी ने लिया है और हम सबको भी दिलवाया है, उसी के माध्यम से हमारा राष्ट्र तब तक विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता जब तक कि अपनी परंपराओं को हम मान्यता दें और उनका सम्मान करें, साथ ही पुस्तकालय ग्रंथागार जैसी जगहों का सही इस्तेमाल हो, क्योंकि ज्ञान के ही क्षेत्र में भारत सबसे उत्तीर्ण था और उसी की वजह से हम लोग आगे थे और उन्हीं परंपराओं को हमें वापस संरक्षित कर लाना होगा, तभी देश आगे बढ़ेगा। हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है, जिसको पूरा देश सुशासन दिवस के रूप में मनाता है। तो सबसे पहले तो मैं पूरे प्रदेशवासियों को सुशासन दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और आज मुझे आप लोगों के माध्यम से प्रदेश को बताते हुए हर्ष हो रहा है कि मोदी की गारंटी में जो हम लोगों ने छत्तीसगढ़ के अन्नदाता किसान बंधुओं से वादा किया था कि अपनी जब 15 साल की सरकार थी, 2 साल का बोनस नहीं दे पाए थे, तो 2 साल का एकमुश्त बोनस 12 लाख से ज्यादा किसानों को आज उनके अकाउंट में करीब 3700 करोड़ रुपया ट्रांसफर कर रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के साथ ही देश ने आज जाने माने स्वतंत्रता सेनानी एवं शिक्षाविद मदन मोहन मालवीय की 162वीं जयंती भी मनाई। दिल्ली में पीएम मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई हस्तियों ने स्वतंत्रता सेनानी मदन मोहन मालवीय को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने एक समारोह में महामना के लेखों और भाषणों के संग्रह की 11 खंडों वाली पहली श्रृंखला का विमोचन किया। पंडित मदन मोहन मालवीय संपूर्ण वांग्मय का लोकार्पण होना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ये संपूर्ण वांग्मय महामना के विचारों से, आदर्शों से, उनके जीवन से हमारी युवा पीढ़ी को और हमारी आने वाली पीढ़ी को परिचित कराने का एक सशक्त माध्यम बने। महामना जिस भूमिका में रहे, उन्होंने नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम के संकल्प को सर्वोपरि रखा। वो देश के लिए बड़ी से बड़ी ताकत से टकराए, मुश्किल से मुश्किल माहौल में भी उन्होंने देश के लिए संभावनाओं के नए बीज बोए। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि अमृत काल में देश के लिए बहुत बड़ा योगदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को उचित मान्यता प्रदान करना प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण रहा है। इसी दिशा में कलेक्टेड वर्क्स ऑफ पंडित मदन मोहन मालवीय एक प्रयास है। 4000 पन्नों की ये कृति मालवीय जी के लेखों और भाषणों का संग्रह है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24।